Assalamu alaikum. This is Sir Mujeeb, and we are here for the chapter number 7, first year chemistry, solution and electrolytes. Solution and electrolytes ke chapter mein jo major concepts jo hamare paas relate hote hain wo hamare 9th chemistry ke hain. Kuch concepts hamare paas honge chapter number 7, naam se hi andaaza ho raha hai, first year 9th chemistry ka chapter number 7th hamare paas solution and suspension, uske kuch concepts hain. साथ साथ 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 था, वहाँ से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो उनको एक बहुत मॉडर्न अंदाज में, एक थोड़ी नेक्स्ट लेवल पर लाके हमने इस चीज़ के अंदर देखना है, इस चैप्टर के अंदर. सो सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशंस की बात करते हैं. व्हाट आर सॉल्यूशंस? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं. एक सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है किसी भी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस का, लेकिन वो होने चाहिए दो या दो से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स के. सो द मेजर थिंग, द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव इज द होमोजेनस मिक्सचर. सो व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर? अ मिक्सचर, मैं मिक्सचर की टाइप से स्टार्ट करूँ. मिक्सचर एक ऐसी चीज़ यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आपने मिला दिया तो इट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर. सो व्हाट इज अ होमोजेनस मिक्सचर? यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, ईदर दे आर इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट, व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर दे टोटली इंटरमिक्स विद ईच अदर. दे टोटली इंटरमिक्स विद ईच अदर, दे कम्प्लीटली इंटरमिक्स विद ईच अदर. वो दो ये दो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली इंटरमिक्स हो जाएंगे. जैसे कि मिसाल दूँ मैं आपको इस वक्त होमोजेनस मिक्सचर की, खास तौर पर कि एक आपके पास ग्लास में पानी है, उसमें आपने एक चमचा नमक लिया. मतलब वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स, a thing which is in a liquid state and a thing which is in a solid state, a powdered state. हमने इन दोनों चीज़ों को मिला लिया और स्पून की मदद से, हमने स्टिरर की मदद से इनको एक दूसरे के अंदर मिक्स करने की कोशिश करी. एंड आफ्टर अ वाइल वी सॉ अ थिंग दैट के वो पानी और नमक एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली इंटरमिक्स हो गया. उस पानी में से एक कतरा निकालूँ, एक चमचा निकालूँ, उसमें नमक होगा. सो द बोथ ऑफ द थिंग्स आर कम्प्लीटली इंटरमिक्स विद ईच अदर. सो दिस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन. This is called a solution, a homogeneous mixture which is called a solution. अब solution बनता है दो अलग अलग चीज़ों के साथ. आप देख रहे हैं यहाँ पे solute के साथ और एक बनता है solvent के साथ. और simple phenomenon है solute, simple सी एक बात है, यहाँ लिखा है less amount और यहाँ लिखा हुआ है greater amount. अभी example दी थी एक glass पानी और नमक की, तो वही example यहाँ पर continue हो रही है. उसमें पानी quantity के हिसाब से, amount के हिसाब से दो चीज़ें थी ना, दो या दो से ज़्यादा substances मिलकर ही तो solution बना रहे हैं. यहाँ दो substances थे, तो पानी जो कि बहुत ज़्यादा quantity में मौजूद है, which is in a greater amount, पानी बहुत ज़्यादा greater amount में मौजूद है, तो it means it's a solvent. And the solvent is in a very less amount, so it means it's a solute. सो सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों को मिलाकर बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से. तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन, अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट, अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट. बात यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बाद अब एक सॉल्यूशन तैयार हो चुका है. नाउ द थिंग नथिंग इज के वी हैव टू नो द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. सो व्हाट इज कंसेंट्रेशन बेसिकली? ना, the amount of solute dissolved in a specific amount of solvent or solution. So we just create a very much difference in a sentence for the two different things, which is a solvent and a solution. The amount of solute dissolved in a specific amount of solvent or solution, ya to solvent mein dissolve hoga ya phir solution mein dissolve hoga, is known as the concentration of solution. So the major point is the concentration of a solution is based on the amount of solute. Is concerned with the solute. The greater the amount of solute present, the more will be the concentration of solution. अब concentration निकालने का formula क्या है? Amount of solute और volume divide आपने करा देना है. Amount of solute रखना है, divide करा देना है उसके volume के साथ. जिस भी substance के अंदर आप dissolve करा रहे हैं, either you are considering a solvent in which it has to be dissolved, either you are considering a solution in which it is dissolved. So we have some ways of expressing the concentration of a solution. We have many ways. The first one is the normality. इसके बारे में आप अपने practicals के अंदर, first year chemistry के practicals में majorly हम जब अपने titrations कर रहे होते हैं वहाँ पर college teachers करा देते हैं आपको normally. So the first thing is normality for expressing the concentration of a solution. The number of grams equivalent of a solute. किसी भी solute के equivalent grams dissolved per dm cube, किसी एक चीज़ में, dm cube is a unit for volume, और किसी भी एक dm cube per dm cube of a solution, solution के, वो कहलाएगा normality.
अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इक्विवेलेंट यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात की जा रही है। फॉर्मूला आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर मौजूद है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम की आपके पास बात की जा रही है। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम वी हैव एंड दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट। ये दो चीज़ें हमारे पास बताई जा रही हैं। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर आपके पास कहानी क्या है कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट और इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के साथ जब आप डिवाइड कराएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा किसी भी सॉल्यूट का। दिस इज अ थिंग व्हिच इज नोन एज नॉर्मैलिटी। लेकिन हमारे पास इस चैप्टर से मेजरली जो रिलेटेड है वो मोलारिटी और मोलालिटी है जिनके न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास आते हैं। सो व्हाट इज मोलारिटी, दिस इज फ्रॉम द 9th वन, ये सबको बड़े अच्छे से याद होता है, वो न्यूमेरिकल्स करे मैं सारे। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मोलर कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला आता है, वी कंसिडर दिस थिंग मोलर कंसेंट्रेशन एज अ डिफरेंट वन, के मोलर कंसेंट्रेशन और जो है वो मोलारिटी अलग है, नहीं ऐसा नहीं है। वी हैव द टू सॉर्ट ऑफ कंसेंट्रेशन, एक मोलर कंसेंट्रेशन होती है जिसमें आर आता है और एक मोलल कंसेंट्रेशन होती है जिसमें एल आता है, तो वो ये मोलारिटी है आर वाली और वो मोलालिटी होती है एल वाली, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो दोनों चीज़ें बहुत एक दूसरे डिफरेंस हैं। अब इनको समझने का तरीका मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में कि आपके पास मोलारिटी का जो फॉर्मूला है, मतलब व्हेन वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, सो वी आर विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाती है। सॉल्यूट दोनों जगह कांस्टेंट है, यानी कि सॉल्यूट हर जगह कांस्टेंट है। इफ़ वी आर कंसिडरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सो वी हैव टू कंसिडर द सॉल्यूट, सॉल्यूट तो कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, तो किस चीज़ का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम हमें चाहिए भाई सॉल्यूशन का। मोलारिटी में याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाएगी, इन दो चीज़ों की, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्यूशन की बात होती है हमेशा मोलारिटी में। इसी फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला आपके पास है इसी फॉर्मूले से हमने ड्राइव किया है अपने पास, और इसे ड्राइव करने के बाद हमने इसी फॉर्मूले को ड्राइव करके यहाँ ले आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला सब जानते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपने बारहा इसके न्यूमेरिकल्स करे हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। गिवन मास किसी भी सब्सटेंस का, उसके एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास से हम डिवाइड कराएंगे, सो वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, एंड वी हैव टू कंसीडर द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब टू द सीएम क्यूब, टू द सीएम क्यूब। तो हम क्या करते हैं, सिंपली सी एम क्यूब में वैल्यू को रखते हैं, डिवाइड बाई 1000 कराते हैं, वी विल गेट आर वैल्यू इन द डी एम क्यूब। तो हमने इसको कन्वर्ट करा एंड फॉर द सेक ऑफ अ सिंगल डिवाइड लाइन हमने इसे रेसिप्रोकल कर ऊपर ले आए और हमारे पास ये चीज़ तैयार हो गई है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला नीचे, अनदर थिंग, नॉर्मैलिटी को आप मोलारिटी या मोलारिटी को आप नॉर्मैलिटी में कैसे लाते हैं, दैट नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू द मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इट्स अ सिंपल थिंग। लेकिन द मेजर फार्मूला इज ये, हमें ये न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है अपने पास ये वाला फार्मूला, बात समझ रहे। आगे चलते हैं, वी हैव अनदर टॉपिक विच इज मोलारिटी। मोलारिटी और मोलारिटी दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं एक दूसरे से। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg। अब यहाँ पे समझने वाली कहानी ये है कि वहाँ पे था कि पर डीएम क्यूब में कहानी की जा रही थी, और यहाँ पर जो बात है वो है 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, मोलालिटी के अंदर बात की जाएगी सॉल्यूट की और मोलालिटी में बात की जाएगी आपके पास सॉल्वेंट की, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे एंड द किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट मेजरली हमारे पास आ जाता है जिसमें हम मोलारिटी और मोलालिटी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। गिवन मास, एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास, ये सॉल्यूट का ही होगा, और हमारे पास यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बिकम इन द ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ये है मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का स्टार्टअप की कॉन्सेप्ट, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।